हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी खबर हमें प्राप्त हो रही है दोस्तों, और पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा है, न्यूज़पेपर के आधार पर ही मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। कटिंग भी दिखाऊंगा और पेपर भी बताऊंगा, किस डेट का पेपर है सारी चीज़ें बताऊंगा, पेज नंबर तक बताऊंगा, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं इस न्यूज़ को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप यूपी के या यूपी ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, तो आपके लिए एल्बो पब्लिकेशन ने एक बहुत ही अच्छा मास्टर नोट तैयार किया है। मास्टर नोट का मतलब ये है कि आप हर भर्ती का अलग अलग गाइड कंप्लीट सिलेबस के लिए खरीदते हैं, वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो आपका बुक है ये कोई गाइड नहीं, कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपका नोट्स है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लास्ट डेज में, जब आपका 10-15-20 दिन एग्ज़ाम बचते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यूपी लेखपाल हो, चकबंदी लेखपाल हो, राजस्व लेखपाल हो, या फिर आपका चकबंदी अधिकारी लोअर पीसीएस कनिष्ठ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का आ रहा है, निकायों में भर्तियां आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं जून और जुलाई के बीच में दोस्तों, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण नोट है आपका। जब 20-25 दिन या 10 दिन एग्जाम बसते हैं, तो इसमें आपको लास्ट डेट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें जो कंटेंट मिल रहा है वो है 2000 क्वेश्चन एंड आंसर का मिल रहा है आपको, वन लाइनर, ये वन लाइनर क्वेश्चन वही है जो यूपी में बार बार पूछे गए, यूपी परीक्षाओं में, यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंड में रहे दोस्तों, वो क्वेश्चन डाला गया है 2000 क्वेश्चन आपका, जो आप रट लेंगे अगर एग्जाम के लास्ट डेज में, तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें से फंसने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन तो यहाँ पर दिया ही गया, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक भी दिए गए हैं क्वेश्चन के, अगर आप उनको सीख गए दोस्तों, तो यहां पर आप बहुत ही अच्छा आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ज्यादा क्वेश्चन कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हिंदी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्री 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन का, और फ्री प्रैक्टिस एड भी मिलेगा। खास बात एक और है यहां पर, क्योंकि बहुत यूनिक बुक है, जो भी चीजें यहां पर दी गई हर चीज में अच्छी है ये बुक दोस्तों। इसमें आपको बायलैंग्वेज मिल रहा है, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से क्वेश्चन आंसर देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही मीडियम वाले बुक बच्चे आराम से इसको पढ़ सकते हैं। खास बात, सबसे यूनिक चीज ये है, जो इसका प्राइस है बहुत कम रखा गया है, सिर्फ 35 रुपीज़ में 775 पेजों का ये बुक है, 775 पेजों का बुक 35 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा देर करेंगे इस बुक को परचेज करने में। अगर आप यूपी और यूपी ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास ये नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल नोट्स है, तो आप लोग इसको जरूर परचेज करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाइए जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएं और इन नोट्स को खरीदें और रिविजन करें, पढ़ें, हर एग्जाम में हेल्प करेगा आपका। नेक्स्ट, आपका इसी तरीके से अगर आपने RRB NTPC और RC ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसके लिए भी सेम प्राइस में आपको वही चीजें, सारी चीजें मिल रही हैं आपको, रेलवे के अकॉर्डिंग जो तैयार किया गया क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है, 1 लाइन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ट्रिक एंड हिंट्स मिल रहा है, फ्री 20 मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको 100 क्वेश्चन का, और प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहा है। इसका भी आपको 35 रुपए ही चुकाना है, तो आप लोग ये दोनों बुक अफोर्ड कर सकते हैं 70 रुपए में। आपको NTPC ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी का मास्टर नोट्स आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खास बात यह है कि आपका जो ये वाली बुक है NTPC का, इसका इंग्लिश का बुक अलग है पूरी तरीके से, और हिंदी का अलग है, तो हिंदी वाले हिंदी पे लिंक क्लिक करके ले लें, और इंग्लिश वाले लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और ये वाली बुक एक ही बुक में बाइलिंगुअल दिया गया, तो इजीली सभी लोग ये बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं यूपी लेखपाल के बारे में, जो खबर निकल के आ रही है उसका सोर्स क्या है, क्या न्यूज निकल के आ रही है, ऑथेंटिकेशन क्या है, सारी चीजें मैं बताने वाला दोस्तों, बशर्ते आप पूरा वीडियो देखिएगा, एंड में लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, यहां पर जो ये न्यूज पेपर है आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान का न्यूज पेपर है दोस्तों, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज ही का खबर है दोस्तों, पेज नंबर 4 या 6 पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बीच में ये खबर है दोस्तों, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं हिंदुस्तान के वेबसाइट पे जाके। लखनऊ के लेखपालों को सीएम बांटेंगे लैपटॉप। दोस्तों, मुद्दा यहां पर जो था, लखनऊ के लेखपालों को सीएम बांटेंगे लैपटॉप बांटने की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं पे सारी बातें निकल के आई है, सारी चीज यहां पर पढ़ के मैं सुनाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, यहां पर सूबे के सभी जिलों के लेखपालों को लैपटॉप मिलेगा, शुरुआत लखनऊ से होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के 21 लेखपालों को मंच से लैपटॉप बांटेंगे, यह आयोजना
16 जून को लोक भवन में होगा। जिले के सभी 231 लेखपालों को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों में मुख्यालय पर कार्यक्रम का योजना लैपटॉप वितरण किया जाएगा। ठीक है, बाकी बातें यहाँ पर लैपटॉप से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मेन टॉपिक का जो बात था वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये जो छोटा सा बॉक्स में यहाँ पर दिया गया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, लेखपालों की कमी से जूझ रहा जिला लखनऊ। जिला लेखपालों की कमी से जूझ रहा है, कई लेखपाल दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब इस संबंध में शासन को चिट्ठी लिखकर खाली पदों को भरने का अनुरोध किया जाएगा। जिले में 300 से अधिक लेखपालों के पद हैं, इनके मुकाबले 231 लेखपाल काम कर रहे हैं। रिटायर हो जाने के बाद पद खाली रह जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि लेखपाल के लिए जो कुछ है आगे कार्रवाई स्टार्ट हो रही है, पत्र लिखा जा रहा है। जैसे ही इसका प्रस्ताव मिल रहा है यूपी CCC नोटिफिकेशन जारी कर देगा। चकबंदी लेखपाल का हमारा आ ही रहा है, राजस्व लेखपाल का भी आ जाएगा पोस्ट। तो आप लोग तैयारी में जुट जाएँ, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। CCC कंपलसरी होगा इस भर्ती में, पहले ही बता रहा हूँ। CCC अगर नहीं कर रखा है तो मेरा सलाह यही है कि जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर जब तक हो सके आप जल्दी से आवेदन कर दें। दोस्तों लास्ट नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है आपका आवेदन के अंतिम तिथि तक रिजल्ट भी आ जाए। तो दोस्तों यही सारी गुड न्यूज़ थी, मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दिल से शेयर कर दें 2-4 अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आगे भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए और जल्दी से परचेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।